हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू चैनल वी आर ब्रदर ब्रदर्स। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत टाइम के बाद रहने वाला है, बहुत ही रोमांचक एंड इंटरेस्टिंग, सब कुछ है इसमें, मस्ती है, ट्रैवल है, 30 सब कुछ है, मस्ती 30 सेकंड ये वो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिस करा इसमें। व्लॉग का एंड तक देखना तब आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता। बहुत ज्यादा मस्ती मजा आने वाला है आपको, थंबनेल से भी पता लग चुका होगा। तो फटाफट चलते हैं वीडियो में। हम मनाली ट्रिप जा रहे हैं, फाइनली वी आर गोइंग टू मनाली। चलो बाहर आ जाओ। अच्छा तो हम चलते हैं। हेलो फैमिली, किद्दा जी, सो इट्स अ न्यू डे विद न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू हुआ है बहुत ही बाहर से, जैसे आपको लोकेशन से भी लग रहा होगा, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं थोड़ा बाहर। तो जाने वाले ट्रैवल व्लॉग, पिद्दू था ट्रैवल व्लॉग एक्चुअली, एक रिलेटिव के घर जाने वाले बहुत टाइम के बाद हम। और एक्चुअली वो मेरे लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे आए थे, मतलब अभी जो निकले उससे पिछले बर्थडे पे आए थे हमारे घर, और तब से हम बोल रहे हैं आएंगे आएंगे आएंगे। तो आज हम उनको सरप्राइज देने जा रहे हैं, और अभी मैं खड़ा हूँ टेलर की शॉप पे, नियर बाई यही टेलर अवेलेबल था, बिकॉज मैं मासी की बेटी जो हमारे घर पे आई थी उसको छोड़ने आया था पहले अपनी दूसरी मासी के घर, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे नहीं जाना साथ में, तो उनको छोड़ने एंड अपने मैंने सोचा यहीं से रास्ते में पेंटिंग करा ली। अंकल बहुत अच्छे करते हैं, मतलब काम वाम पहले मैंने इससे करवा रखा है, तो मैंने सोचा रिस्क ना लेते हुए इनके पास डायरेक्ट आ जाते हैं। तो अभी काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जाने वाले हैं घर और सीधा निकलने वाले हैं सुल्तानपुर लोधी। जिन लोगों ने नहीं सुन रखा है, ये कपूरथला से आगे है आई थिंक, और हम आज एक हमारे मामू हैं उनके साथ जाने वाले हैं। तो जो भी रहेगा आपको दिखाएंगे, अभी के लिए मेरी पेन ठीक हो जाए, घर से गालियों भरे फ़ोन आ रहे हैं, मतलब मम्मी बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो, 4 बजे का टाइम जाने का था बट 4 ऑलरेडी बज चुके हैं एज़ यूजल। अगर आप करण होरी के साथ हो तो आप लेट होना वाजिब है, आपका लेट होना वाजिब है। तो मेरी पेंट बस ठीक हो जाए उसके बाद चलते हैं घर और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं मामू की कि वो कब तक आते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पर कोई बात नहीं, जाना है तो जाना है ना, और मास्क लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे साथ साथ देख सकते हो इसको आप, ये दुखी आत्मा ऑल टाइम, ये सरदार जी इधर आ गए। हाँ जी, कितना बढ़िया। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, वैसे मैं अपनी जैकेट भी घर पे भूल आया हूँ, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मम्मी ने बोला सर डाल ले जैकेट, पर मैंने बोला नहीं डालनी है यार, तो मैं जैकेट नहीं डाल के आऊँ। एंड हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं बिकॉज ये हमारा है प्रताप चौक लुधियाना का, संगीत सिनेमा के बाहर खड़े हैं, उन्होंने बोला था यहीं से हम चलेंगे मामू ने, तो हम उनके बस वेट कर रहे हैं वो कब तक आते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, नियर बाय कोई शॉप नहीं दिख रही है मुझे, सामने है एक दो शॉप पर वहाँ पे वेफर्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जूसी है, इसलिए मैं नहीं पी रहा हूँ। तो बस वेट है, जल्दी आए फिर करते हैं हमारा ट्रैवल स्टार्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चंगा सरदार जी, चंगा सरदार जी, वो खड़े मामू की कार। अरे अरे भैया जी ध्यान से, यस यस यू कैन डू इट, चलिए चलिए बाबे दा नाल लेके चकलो होए चकलो, चलो यार चलो जल्दी चलो थोड़ा जाओ। ये देखो मनाली ट्रिप जा रहे हैं, फाइनली वी आर गोइंग टू मनाली, पहुंच गए हैं, डिक्की में डालते हैं। तो गाइस अभी सफ़र शुरू हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है, बट हमने साथ साथ अपनी पेट पूजा भी जारी रखी हुई है, बिकॉज हमें लगता है कि मतलब हमने रास्ता देखा तो अप्रॉक्स हमें अभी 100 किलोमीटर है यहाँ से, पहुँचने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसलिए हमने पहले से कुछ खा लिया, बिकॉज घर से कुछ खाया नहीं हुआ था। हमने ट्राई किया यहाँ से मोमोज, स्प्रिंग रोल, गोलगप्पे, इट वॉज़ क्वाइट ओके, मतलब मोमोज ओके ओके थे, ये मेरी शक्ल देख रहा है अभी इसलिए मैं इधर आ चुका हूँ। और गोलगप्पे खाने के बाद मैंने पापड़ी के बिना तो चलता नहीं हुआ, आपको पता लग ही चुका अब तक। दोबारा शुरू करते सफर, फिर मिलता आपको रास्ते में। गाइस हर बार दी तरह इस पर ऐसी फेरे गलत, पूरी सिद्धि करनी पड़ी गड्डी आपां नूं। गाइस एक बार दोबारा हम गलत गली में घुस चुके हैं, जैसे हर बार हर ट्रैवल ब्लॉग में, हर ट्रैवल ब्लॉग में जैसे होता है, इस बार भी वही हुआ है। हम एंटर हो गए थे, मतलब जहाँ पे आना था ना हमें सुल्तानपुर लोधी, बहुत सही टाइम पे हम पहुँच गए, बट उससे आगे जब उन्होंने जो उन्होंने हमें लोकेशन भेजी है,
नहीं लगती इधर गड्डी, सही जा रहा है व्लॉग भी जरूरी है ना, सही लग रहा है, सही है सही है, बिल्कुल सही। तो अभी बस गाइज ऑन द वे हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। मैंने तानू क्या लगता है मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ेगी? मुड़ जाएगी, तो मैं इसी करके नहीं चला रहा। गाइज बहुत मुश्किल है पर आप करके दिखावांगे तानू, रुको तानू मैं दिखाना एग्जैक्टली किदा दा सीन चल रहा है। गाइज आ रही अपनी गड्डी, तो एक आ गड्डी खड़ी है बिच, एक और गड्डी खड़ी है बिच, तो एक इन्नी कु जगह अगे, दसो किवें मुड़ेगी गड्डी, किवें मुड़ेगी गड्डी, हाउ इज दिस पॉसिबल? आ देख लो इन्ना कु राह आ, बहुत औखा है पर आप तुहानू करके दिखावांगे, रुको थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर वेट करो बस। सब स्ट्रगल करते हुए तो हमें लग रही है काफी आशाएं कि हो जाएगा, अभी देखते हैं लास्ट। निकल जाएगा ओहो पता मैनू, सही है नहीं है बिल्कुल इशू नहीं, आराम ना निकल जाएगी, निकल गई ए बोल साचे दरबार की डन फाइनली निकल गई अपनी गड्डी। सो गाइस फाइनली साड़ी गड्डी निकल चुकी है, तो फाइनली हमारी कार निकल चुकी है हिंदी में, और हमें वो लेने आ गए थे जिनके घर हमें जाना था, बहुत ही नज़दीक थे हम, बहुत ही क्लोज थे। अभी 11 बजे बातें करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस फाइनली वी रीच, ये है हमारे छोटे से मामा जी, अंदर बज गए तुसी किधर, अंदर नहीं बज गए तुसी था। तो गाइस फाइनली वी रीच, तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और आपको भी पता है कि जैसे बहल ब्रदर्स जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ पे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो हमने अपने दो कंटेंडर्स को खड़ा कर दिया। इधर देख लो दोनों, पहले हाय हुई बोल दो, ये दोनों हमारी मासी हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो हमने इनको बोला, इनको हमने छोटा सा चैलेंज दिया है कि 30 सेकंड में आपको मतलब कौन ज़्यादा रोटियाँ बेल सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इनके पास पूरे पूरी सब चीज़ें भी हैं, देखो दो वेलने हैं, दो चकले, दो तवे, सब कुछ है, ठीक है। ये दो खुद भी हैं मेन हम चकल। तो अभी हम शुरुआत करने वाले हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं एग्जैक्ट ये कौन बेल पाता है। टाइम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, पहले बैक कर दो फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइज व्लॉग तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, अभी सेटिंग बैठ रही है थोड़ी थोड़ी। तो देवी और सज्जनों ये है हमारे दो कंटेंडर, जैसे आप देख सकते हो टाइम सेट होगा ऊपर करके दिखना चाहिए कैमरे में, दिखे बस, ठीक है। वन रोटी बनानी नहीं कली बेलनी है, वन टू थ्री गो, छेती छेती मासी जी इधर, छोटी मासी वड्डी मासी, छेती छेती गोल होनी चाहिए पूरी गोल। धूड़ा जिन्ना मर्जी लाओ पर गोल होने। हेलो जी, 10 सेकंड रह गए, एक बन भी गई, वेरी गुड। ओहो क्या बात है, इन्होंने रिश्ता लभना शुरू करो, टाइम ओवर चलो। एक और ट्राई करेंगे, पसंद नहीं देखना। हाँ थले वेल लो ताड़े, रुक जाओ, हाँ पेड़ा भी दूसरा लोगे फटाफट, चलो फटाफट करिए स्टार्ट, चलो 1 2 3 गो, छेती भज के, ओ गिठा माई जल्दी, फिर उत्ते मेरे फिर कहोगे मेरा हो नहीं रहा, छेती थोड़ी स्पीड नाल, ए कच्चा खिडारी है उन्होंने लेने का रिश्ता लाना शुरू करो, वो प्रो प्लेयर बन चुके हैं। चलो किन्ने होए 8 सेकंड यार, पुत्र देख आप तेरे वैसे किन्ना सोचा, फिर तू कराई बेइज्जती हुई है वैसे ताड़ी। हो गया डन, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे चल रहे आप, कोई बात नहीं, चलो बाहर आ जाओ। तो गाइस अच्छा तो हम चलते हैं,
बहुत जल्दी मिल रहा थानू दोबारा सबनों भी बाय कर लगे आप चलिए सर चलिए चलिए चलो फिर बाहर मिल जाए थानू बहुत जल्दी बाय बाय चंगा जी बाय बाय मिलते हैं बहुत जल्दी द्वारा हाले हो चलो छोटी छोटी मासियां बाय कर दो हूं चलो छोटी छोटी मासियां बाय मामा जी बाय So guys, this is the end of our video. Hope you guys love it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना और बहुत ही ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे आप ब्लॉग और देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ठीक है और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है तो मेक श्योर आप कर ले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना और नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी मिलने तब तक के लिए बाय